अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और ये एक दफ़ा तो मैं खा चुकी हूँ, अब दूसरी दफ़ा निकाल रही हूँ। सीरियसली इतनी ज़बरदस्त केक है ना, और इतना ज़बरदस्त इसमें लिक्विड है, इतना ज़बरदस्त कोई, इतना ज़बरदस्त क्रंची। हाँ तो क्रंच, लावा, मैंगो, लिक्विड, आप यकीन माने जो इसका टेस्ट आ रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यमी के मैं आपको क्या बताऊं। तो मैं इसको खाती हूँ, आप फुल वीडियो वॉच करें और इसको, तो मैं इसे खाती हूँ और आप भी इसको ट्राई करें और मज़ेदार लुत्फ़ उठाएं। और ज़बरदस्त, यमी, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही यमी है, ज़रूर इसको ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। फुल वीडियो वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इंशाल्लाह, और ये रेसिपी आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगी और मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है और मैं तो मुँह ही नहीं रुक रहा, मैं खाए जा रही हूँ, आप वीडियो वॉच करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूँ नीलम और आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। और आपने तो स्टार्टिंग क्लिप देख ही ली होगी कि ये रेसिपी मैंने बनाई है और बहुत ही कोई आला रेसिपी बनी है, आप यकीन माने। जैसे कि मैंने इसमें चॉकलेट बहुत ही कम डाला था, ठीक है, और इसमें मैंने मैंगो फ्लेवर डाला है, मैंगो प्यूरी डाली है, केक डाला है, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लो बजट में है और आप बना सकते हो, इसको इजीली बना सकते हो घर में, कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको बाहर से जाना पड़ेगा और 5-6 हज़ार रुपये खर्च करके तभी आप बनाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप घर पे बना सकते हो। आम तो अमूमन निकल ही आ चुके हैं और वो मैंगो आप घर पे जो है ना कि हमें लाएँ और उसका 2-3 स्लाइस काटें और ये रेसिपी बनाएं, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत यमी रेसिपी है। और उससे पहले, तब तक आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, ठीक है, मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट किया है, मेरे चैनल न्यू है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि मैं लाती हूँ इसी तरह से इजी रेसिपी आप लोग के लिए और बहुत ही महंगी रेसिपी, वो भी लो बजट में आप के लिए। तो मेरे साथ रहें और स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने ले ली थी, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके सामने पड़े हैं। सबसे पहले यह एक अंडा है, एक आइसक्रीम है, ठीक है, और एक कप चीनी है, एक कप ऑयल या घी आप जो भी ले लें, एक छोटा नींबू, ठीक है, नींबू एसेंस नहीं था, लेमन, चॉकलेट लिया मैंने और एक कप, और एक कप मैदा लिया हुआ है मैंने, और ये है क्रीम ऑफ टार्टरी है तो सही है, नहीं है तो नो प्रॉब्लम, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर 1-1 टेबल स्पून होगा, और नमक थोड़ी सी चुटकी डालेंगे, बेकिंग सोडा डालेंगे, क्रीम डालेंगे और आम है, ठीक है, ये सारे इंग्रीडियंट्स हैं सामने पड़े हुए, देख लीजिए, और एक कप दूध है, ठीक है, अंडा, चॉकलेट। अच्छा, ये आइसक्रीम मैंने इसलिए डाला हुआ है क्योंकि अगर किसी के पास वेपिंग क्रीम नहीं हो तो आप ये आइसक्रीम एक डाल दें, वेपिंग क्रीम है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो ये एक आइसक्रीम डाल दें, ठीक है। ये चोको आइसक्रीम है, बहुत अच्छी फ्लेवर की है, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर की है, ये आपको वेपिंग क्रीम का ही टेस्ट देगी। और ये एक नींबू, नींबू मतलब लेमन एसेंस है, ठीक है, नहीं है तो ये है। सारी चीज़ों को मैंने, लिक्विड चीज़ों को, चीनी, अंडा और तेल, ये सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने डाल दिया एक ब्लेंडर में, ब्लेंड कर दिया, ठीक है। साथ में मैंने मैंगो डाल दिया था, मैंगो मैंने एक फुल एक मैंगो लेके इसको कटिंग करके डाल दिया था, ठीक है, वो डाल दिया। उसके बाद मैंने इसमें जो है ना दूध डाल देना एक कप, अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, ब्लेंड कर लिया उसको साइड पर रख दिया। एक बाउल लिया, उसको छान लेंगे, इसमें जो इंग्रीडियंट्स डालेंगे, एक कप मैदा, एक टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, 1 टेबल स्पून अगर आप कोको का बनाना चाहते हैं, बेस अपना मतलब स्पॉन्ज केक का, चॉकलेट का बनाना चाहते हैं तो 1 टेबल स्पून चॉकलेट पाउडर डालें, वरना नेवर, कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने नहीं डाला था, ठीक है। ये क्रीम ऑफ टार्टरी है, ये जो है ना को आपके केक को बहुत ही इन्हेंस कर देगी, अच्छे से सॉफ्ट बना देगी। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपने बेकिंग सोडा तो डाल ही दिया है ना, 1/2 टेबल स्पून, सही है। कोको वाला बनाना है, चॉकलेट वाला बनाना है तो फिर डाल दीजिएगा, कोको पाउडर नहीं बनाना तो फिर यही सही है। और मैंने जो ब्लेंडर में ब्लेंड किया था, आधा मैं इसमें डाल दूँगी, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, एक कप छोड़ देंगे, बाकी सारा मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। मैदा आप लोग को ऐसा लगे कि अगर ये बहुत ही गाढ़ा है, गाढ़ा है तो थोड़ा सा आप डाल दीजिए, थोड़ा सा और लिक्विड, ठीक है, मैदा एक कप बहुत है। अच्छे से इसको इस तरह से मैंने पेस्ट बना देना,
स्टेन ले लिया था गोल वाला, उसको ग्रीस कर दिया, ये थोड़ा सा मैंने साइड पे रख दिया, आपको बताया था ना, एक कप मैंने साइड पे रख दिया। गोल वाला टिन ले लिया, इसको ग्रीस कर लिया मैंने, इसमें कोई बटर पेपर नहीं डाला नीचे, मैं आपको दिखाऊंगी आगे जाके कैसे ज़बरदस्त बनती है केक। केक को बैटर के केक के बैटर को डाल देंगे, उसको टैप करेंगे और इसको मैं पतीले में बनाऊंगी। पतीला पहले से मैंने प्री हीटेड है 15 मिनट, इसको पतीले में रख देंगे, ठीक है, 20 मिनट के लिए पक जाएगा ये। अच्छा जी, एक कप जो मैंने बचा के रखा था, जो हमने प्यूरी बनाई थी, उसमें मैं डालूंगी एक पूरा पैकेट क्रीम का और उसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। और इसमें मैंने वो जो एक आइसक्रीम थी वो भी डाल दी थी, वो बीच में स्किप हो गई ये वीडियो, आइसक्रीम थी वो भी डाल दी थी। अच्छा जी, मैंने आइसक्रीम डाल दी और इसको अच्छे से मैंने मिक्सअप कर दिया था, और मिक्स करने के साथ इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि अच्छा सा ठंडा हो जाए। तब तक अपने केक निकालते हैं, वो भी बन गया होगा। केक निकाल लिया है और इसको मैं स्टिक की मदद से चेक करूँगी कि अगर ये हमारे स्टिक में नहीं लग रही है लिक्विड तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन गई, ठीक है। 20 मिनट के लिए मैंने इसको बेक किया था, तो ये मेरा है 10 और इसी के साइज़ का ये मैंने जो है ना केक वो लिया था 10, दोनों को देखो साइज़ एक ही है। इसको पलट देंगे, गरम है बहुत ही, ये देखिए मैंने पलट दिया इसको और ये बहुत ज़बरदस्त बना है। इसका बैक है, ठीक है, ये अब मैं आपको केक का टिन दिखाऊंगी, उसमें बिल्कुल बिल्कुल क्लीन है, मैंने कोई बटर पेपर नहीं लगाया था आपके सामने। बहुत ही ज़बरदस्त केक बना था ये, मैंगो फ्लेवर का था, बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए इसकी टिन भी साफ है, देखा, और ये सारा हमने इसमें डाल दिया। अब इसके अंदर ये ठंडा होने के बाद अब सारा इस प्रोसीजर्स करना, ठीक है, मैंने तो वैसे गर्म गर्म में कर दिया। फिर ये मैंने दूध डाल दिया, 1 कप दूध, सारा दूध हम इसमें डाल देंगे, उसको रख देंगे साइड पे। हम इसका चॉकलेट बनाएंगे, चॉकलेट के लिए मैंने कोको ले लिया था, चॉकलेट डाल दिया था, ठीक है, और कोको मतलब 1 टेबल स्पून कोको पाउडर, चॉकलेट डाल दी थी इसमें, और उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल के उसको पकने के लिए छोड़ दिया, थोड़ा गाढ़ा हो जाए। ये जो मैंने फ्रिज से निकाल दिया था, इसका जो लिक्विड बैटर बनाया था हमने, लिक्विड वाइट गनाश बनाई थी, वो डाल दी थी इसमें, उसको फ्रिज में रख दिया। इन्हें यहाँ पर हमारा चॉकलेट देखिए, थोड़ा सा हमारा ये जो है ना अच्छा सा मेल्ट हो जाए, डार्क वो हो जाए, गाढ़ा हो जाए, ये हम इसमें डाल देंगे ताकि ये फ्लेवर भी इसमें आ जाए। ये स्टेप 3 है। स्टेप 1 केक का बनाया हमने, स्टेप 2 हमने इसका जो है ना जो है हमारे पास क्रीम था वो बनाया है इसका मिक्सचर, स्टेप 3 हमारा कोको का मिक्सचर बनाया हमने, स्टेप 2 हमारा क्रीम व्हिपिंग क्रीम का मिक्सचर बनाया है, स्टेप 3 हमारा कोको का मिक्सचर बनाया है। इसको सारा को मिक्सअप करके इसको फ्रिज में रख देंगे टू होल नाइट, पूरी रात के लिए। फिर मेरे पास चॉकलेट थी, उसको मैंने हैज़ इट इज़ चॉकलेट को मैंने हल्की सी गर्म कर दी, सिर्फ हल्का सा करना जल जाएगा वरना, और इसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शहद डाल दिया। इसको अच्छे से गर्म हो गया था ये, इसको मैंने शिफ्ट किया एक बाउल में, ये देखें हमारा ठंडा हो गया केक जो मैंने निकाला था ना, ठंडा हो गया। ये सारा अभी मैंने चॉकलेट जो मैंने बनाई है वो सारी मैं इसमें डाल दूँगी। वो चॉकलेट मेरी थोड़ी लग रही थी, थोड़ा सा डाल और मंगवा के ना मैंने और एक बाउल बना दी, वो एक जो प्याला होता है ना वो बना दिया था। इसको रख दिया और 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे, और फिर डिश आउट करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यमी बनी है, और ना ज़्यादा कड़क होगा ये, सख्त होगा ना ज़्यादा वो होगा, ठीक है, इसमें कोई तो फ्लेवर होना चाहिए ना। इसके से ऊपर से साइडों में थोड़ा सा ये देखें, ऊपर से साइडों में थोड़ा सा कड़क कड़क होगा, वरना इतना ज़्यादा ये हार्ड नहीं होगा, और नीचे से बिल्कुल सॉफ्ट। इसमें आपको क्रीम का फ्लेवर आएगा, व्हिपिंग क्रीम का, आइसक्रीम का, मैंगो का, चॉकलेट का, और क्रंची भी फ्लेवर आएगा। बहुत ज़बरदस्त लग रही थी ये केक और बहुत ही यम्मी था, ट्रस्ट करें बहुत ही यम्मी था। आप ज़रूर बनाया, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। आई होप अच्छी लगी होगी। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।